बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए, उप सचिव महाराष्ट्र राज्य, इनकी तरफ से एक प्रेस नोट रिलीज की गई है। कल मंत्रिमंडल की बैठक होने के बाद अंशतः अनुदानित 20%, 40%, 60%, 80% स्कूल और टुकड़िया शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी की जहाँ तक हम बात करते हैं उनको लेकर एक प्रेस नोट रिलीज की गई है। इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है। शासन निर्णय से पहले पहले इस प्रेस नोट में दी गई है जो आपके सामने यहाँ पर दिख रही है। अगर आप इसको हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आप इसको हासिल कर पढ़ सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आप देख सकते हैं कि शालेय शिक्षण वो क्रेंडा विभाग दिनांक 10 अक्टूबर 2024 प्रेस नोट। तो देखिए, एक प्रेस नोट जो है रिलीज़ की गई है, इसमें क्या मुद्दे रखे गए, किस तरीके से चीज़ें बताई गई है, हम तफसील से आपको एक एक चीज़ जो है वो विथ ट्रांसलेशन यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आप यहाँ पर विषय देखेंगे, विषय किस तरीके से। तो देखिए, विषय इस तरीके से थे कि सध्या 20%, 40%, 60% वेतन घेत असलेल्या शाळांना 20% वाढीव अनुदानाचा टप्पा मंजूर करण्याबाबत। तर हे बघा, येथे 20%, 40%, 60% जी शाळा आहे, तुकड्या आहेत, त्यांना वाढीव टप्पा मंजूर करण्याबाबत विषय क्रमांक 1 मध्ये दिलेला आहे। यहाँ पर एक विषय क्रमांक 1 में बताया जा रहा है कि जो स्कूल अभी 20% में थी, वर्तमान की हम बात करें 40% में थी, 60% में थी, अब उनको 20% जो है बढ़ाकर दिया जाएगा, मतलब 20 वाले 40, 40 से 60, 60 से 80, इस तरीके से। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि राज्यातील घोषित प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना त्यांच्या सोबत पात्र ठरलेल्या शाळांप्रमाणे अनुदानाच्या वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करणे। देखिए, यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है त्रुटी, जो स्कूलें त्रुटि में थी उनके लिए है कि यहाँ पर बताया जा रहा है राज्यातील घोषित प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेली शाळांना त्यांच्या सोबत पात्र ठरलेल्या शाळाप्रमाणे अनुदानाच्या वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करणे। दुसरे पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको घोषित किया गया था 2022 में, लेकिन अब तब आप अनुदान के लिए अपात्र थे और आपके साथ वाले अभी 40% में हम बात करते हैं 2024 के एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, तो आपको समान टप्पा दिया जाएगा जिस वक्त आपके साथ के लोगों को मिला था। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 3 हम यहाँ पर देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 में बताया जा रहा है कि दिनांक 11 नवंबर 2023 नंतर प्राप्त प्रस्तावापैकी अनुदानासाठी पात्र शाळांना अनुदानासाठी पात्र करणे। देखिए, जिन लोगों का प्रस्ताव जो है वो 11 नवंबर 2023 के बाद मिला था, म्हणजे 11 नवंबर 2023 नंतर झालेले नंतर प्राप्त प्रस्तावापैकी अनुदानासाठी पात्र शाळांना अनुदानासाठी पात्र करण्याबाबत। ओके, पॉइंट क्रमांक 4 बताया जा रहा है कि सैनिक शाळांवरील तुकड्या कार्यरत शिक्षक कर्मचारी यांना अनुदानाच्या वाढीव टप्पा मंजूर करणे। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में बताया जा रहा है अनुदान पात्रतेच्या निकषानुसार अपात्र ठरलेल्या शाळा तुकड्यांना विवक्षित शाळा म्हणून घोषित करणे। तो देखिए, यहाँ पर जो है पाँच नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है कि अनुदान पात्रतेच्या निकषानुसार अपात्र ठरलेल्या तुकड्यांना विवक्षित शाळा म्हणून घोषित करणे, अशा प्रकारे इथे 5 विषय इथे दिलेला आहे। हम आगे बढ़ते हैं और आगे पूरा मामला जान लेते हैं किस तरीके से बताया जा रहा है। एक एक पॉइंट को जो है यहाँ पर विस्तार से इन्होंने विश्लेषण किया है। आप देख सकते हैं कि सध्या टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी अंशतः अनुदानित शाळांना 20% अनुदानाच्या वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करण्यात निर्णय घेण्यात आला आहे। शासन निर्णय दिनांक 6/2/2023 अन्वय विहित निकषाची पूर्तता केलेल्या 820 प्राथमिक शाळा, 3513 वर्ग तुकड्या व त्यावरील 8602 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, 1984 माध्यमिक शाळा, 2380 वर्ग तुकड्या व त्यावरील 24000 28 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, 3040 उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, 3043 वर्ग तुकडे अतिरिक्त शाखा व त्यावरील 16932 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, एकूण 5844 शाळा, 5844 शाळा, 8936 वर्ग तुकडे अतिरिक्त शाखा व त्यावरील 49562 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदानाच्या विविध टप्प्यावर वेतन घेत आहेत, त्यांना अनुदानाच्या पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आला आहे। तो देखिए, एक ओवरऑल फिगर जो है यहाँ पर निकल कर आ चुका है कि तमाम जो है, मतलब ऊपर तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसको ठीक से पढ़ भी सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है इसका हमने यहाँ पर उन्होंने अनुदान घोषित किया है, तो टोटल जो है 49562 लोगों को, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी को अनुदान के लिए पात्र यहाँ पर घोषित किया गया है। आगे देखेंगे, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, ध्यान से एक एक चीज़ को आपने समझ लेना है। यह व्यतिरिक्त
निराधार स्वावलंबन समिति नासिक संचालित नूतन प्राथमिक विद्या मंदिर अंबड नासिक या शाळेचे इयत्ता पहिली ते सातवी वर्ग वरील आठ शिक्षकांना अनुदानाचा टप्पा अनुज्ञ करण्यात आला आहे। तो किसी एक स्कूल का नाम दिया गया और वहाँ के भी आठ शिक्षकों को यहाँ पर अनुदान के लिए पात्र घोषित किया गया। यासाठी होणाऱ्या वार्षिक रुपये 935.43 कोटी इतक्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे। इस तरीके से इस प्रेस नोट में स्पष्ट जो है इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट नंबर दो में बताया जा रहा है कि 12/2/2021 दिनांक को 15/2/2021 वो दिनांक को 24/2/2021 नुसार अपात्र झालेल्या परंतु एक महिन्याच्या विहित मुदतीत त्रुटी पूर्तता केल्या शाळांना तुकड्यांना अनुदानाचा वाढू अनुदानाचा टप्पा मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे। तो देखिए जो 12/2/2021 को अपात्र होते, जो 15/2/2021 को अपात्र होते, या जो 24/2/2021 को अपात्र होते, ऐसे तमाम स्कूलों ने जिन्होंने एक महीने के अंदर जो है अपनी त्रुटि पूरी कर ली थी उनको भी अनुदान के लिए पात्र घोषित किया गया है। उसके बाद देखिए शासन निर्णय दिनांक को 12/2/2021 दिनांक को 15/2/2021 दिनांक को 24/2/2021 नुसार त्रुटीमुळे अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या परंतु 30 दिवसाच्या विहित कालावधीत त्रुटीची पूर्तता केलेल्या 40%, 60% आणि अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या 651 प्राथमिक माध्यमिक उंच माध्यमिक शाळा कनिष्ठ महाविद्यालय 1281 तुकड्यावरील 5,990 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदानाचा टप्पा मंजूर करण्यात आला आहे। तसेच त्याकरिता होणारा वार्षिक रुपये 107.10 कोटी इतका आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे। मात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना थकित रकमेची कोणतीही थकबाकी अनुज्ञेय राहणार नाही। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि थकबाकी जो है उन लोगों को नहीं मिलेंगी जो किसी वजह से उस वक्त अपात्र हो गए थे, उनको समान टप्पा यहाँ पर लाकर उन्होंने छोड़ दिया है जिन्होंने एक महीने में अपनी त्रुटि पूरी की थी। यापूर्वी मंत्रिमंडळ निर्णयामध्ये समावेश नसलेल्या व दिनांक 11/11/2022 नंतर प्राप्त झालेल्या मूल्यांकनात अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या तथापि शासन स्तरावर अघोषित असलेल्या प्राथमिक माध्यमिक उंच माध्यमिक शाळांना 20% अनुदानासाठी पात्र करून अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे। तो देखिए ऐसे स्कूलों को जो है यहाँ पर जिन्होंने प्रस्ताव अपने 11/11/2022 के बाद सादर किया था तो उनको 20% के लिए यहाँ पर एलिजिबल करार दिया गया है। इस तरीके से तमाम चीज़ें इस प्रेस नोट में बनाई गई है। आगे और थोड़ा सा इसमें हमको बताना है आपको, आप बने रहिए हमारे साथ में। वीडियो बेहतर लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां पर बताया जा रहा है कि दिनांक 11/11/2022 नंतर प्राप्त प्रस्तावातील मूल्यांकनानुसार अनुदानासाठी पात्र असलेल्या अघोषित असलेल्या 231 प्राथमिक माध्यमिक उंच माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय 695 वर्ग तुकडे अतिरिक्त शाखेतील एकूण 2714 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना 20% अनुदान मंजूर करण्यात आला आहे। तो देखिए जिनके प्रस्ताव जो है वो 11/11/2022 के बाद प्राप्त हुए तो उसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर 231 प्राथमिक स्कूल है, 695 वर्ग तुकड़ी है, 2714 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उनको 20% अनुदान जो है यहाँ पर घोषित किया गया है। उसके बाद आगे और बढ़ते हम यहाँ पर देखते हैं कुछ पॉइंट और यहाँ पर दिए गए हैं। तसेच घोटा फाउंड एजुकेशन सोसाइटी फोंडा घाट संचालित न्यू इंग्लिश स्कूल जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स वेकेशनल व साइंस फोंडाघाट तालुका कणकवली जिल्हा सिंधुदुर्ग या कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या वाणिज्य प्राथमिक व प्रथम व विज्ञान प्रथम शाखेतील 2 पूर्णवेळ पदास 20% अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे। यासाठी होणारा वार्षिक खर्च 57.20 कोटी इतका आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे। उसके बाद पॉइंट नंबर हम 4 यहाँ पर देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 में बताया जा रहा है कि राज्यातील सैनिकी माध्यमिक शाळांच्या अतिरिक्त तुकड्यांवरील अनुदानासाठी पात्र कार्यरत शिक्षकांना 20% अनुदानाचा टप्पा मंजूर करण्यात घेण्यात आला आहे। शासन निर्णय दिनांक 6/26/1995 अन्वय मान्यता दिलेल्या राज्यातील 4 सैनिकी माध्यमिक शाळांमधील 20 तुकड्यांवरील 40 शिक्षकांना वाढीव अनुदानाचा 40%, 60% टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आला आहे। यासाठी वार्षिक रुपये 102 कोटी इतका आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली। और पाँचवा और आखिरी पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से बताया जा रहा है कि शासन निर्णयातील निकषाची पूर्तता न झाल्याने अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या शाळांना स्वअर्थ साहित्य शाळा विवक्षित शाळा म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे। तो देखिए जो लोग अभी भी अपात्र हो गए उनको सेल्फ फाइनेंस करके यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। विवक्षित उसी को कहते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेल्फ फाइनेंस में उन लोगों को डाल दिया गया है जो लोग अभी तक जो है अनुदान के लिए पात्र नहीं हुए, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। साथ ही साथ विविध कारणों निकषा की पूर्तता न के अपात्र ठरले 2014
प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा 1727 वर्ग तुकड्या अतिरिक्त शाखा यांना महाराष्ट्र स्वार्थ साहित्य शाळा स्थापन विनिमय अधिनियम 2012 नियम 9 नुसार विविक्षित शाळा म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे। त्या शासनाकडून कोणतेही अनुदान मिळणार नाही। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर रही है। इसमें कम से कम 2014 स्कूल है जिनको अनुदान नहीं मिला है, 1727 वर्ग टुकड़ा है जिनको अनुदान नहीं मिला है और अब इनको शासन किसी तरीके का खर्च नहीं देंगी, यहाँ पर इस तरीके से स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि इनको स्वार्थ साहित्य शाला इस तरीके से घोषित कर दिया गया है जिसको हम सेल्फ फाइनेंस की स्कूल या टुकड़िया कहते हैं। अभी तक जो है अनुदान के लिए ये लोग पात्र नहीं हो पाए किसी वजह से। वरिल निर्णयाच्या प्रयोजनासाठी एकूण वार्षिक अंदाजे 1100 कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे। या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे 52,354 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे। तो देखिए 1100 कोटी की निधि जो है मंजूर की गई है और इसका जो फायदा पहुँचने वाला है वो 52,324 शिक्षकों को इसका फायदा पहुंचने वाला है। इस तरीके से एक इम्पोर्टेंट प्रेस नोट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उप सचिव महाराष्ट्र शासन समिंत सावंत इनकी तरफ से जारी की गई है। शासन निर्णय का हमको इंतजार है, आज शाम या कल तक जो है GR आने की पूरे पूरे चांसेस है। आज वेट कीजिए, आज फ्राइडे का दिन है, शाम होते होते शायद आज GR जो है वो निर्गमित किया जाए। लेकिन GR से पहले तमाम हिदायतें जो है यहाँ पर दी गई है कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपने हमारे चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन में आपने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आप जो है इस PDF को हासिल कर जो है तफसील से पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 5 अलग अलग पॉइंट दिए गए और 5 अलग अलग लोगों का संबंध इन पॉइंट से होता है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में कि 5 अलग अलग मुद्दे यहाँ पर बताए गए हैं और ये 5ों अलग अलग मुद्दे इसमें से जो 5 वाला नंबर का मुद्दा है उसमें स्वार्थ साहित्य उन लोगों को घोषित कर दिया गया है जो लोग अभी तक अनुदान के लिए पात्र नहीं हुए थे। बाकी 4 लोगों को जो है अनुदान दे दिया गया है। कुछ कंडीशन यहाँ पर है शासन निर्णय में और डिटेल में मालूमत आपको हम हमारे चैनल के माध्यम से देंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना है। इस पत्र को हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप इसको पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।